सबसे ज्यादा खतरनाक नजर किसकी लगती है और लग जाए तो इलाज क्या है? ये बड़ा अहम इशू है हमारे माशरे का। एक नजर बद वो होती है जो किसी नापसंद करने वाले की लगे, हसद हो या ना हो, बस वो नापसंद करता है इसलिए नजर लग गई। दूसरी नजर बद वो होती है जो किसी अपने की लग जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो माँ बाप की औलाद को लग जाती है, इसलिए माशाअल्लाह कहने की जो है वो आदत बनाई जाए। बल्कि हदीस में है कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये कह दिया जाए तो नजर नहीं लगती। जैसे किसी की अच्छी गाड़ी देखी, अच्छे कपड़े देखे तो कह दिया कर माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी ये कह देंगे तो नजर जो है वो नहीं लगेगी। चाहने वाले की भी नजर लग जाती है और बाज़ औक़ात अपनी भी नजर लग जाती है, इसलिए जरा सेल्फियों से भी जो है वो परहेज करनी चाहिए। हम जितनी सेल्फियां लेते हैं नजर भी उतनी ही लगती है। तीसरी नजर होती है हासिद की नजर, जो आपसे जलने वाला है, इसकी जो नजर होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, शदीद खतरनाक होती है। और ये नजर लगती कैसे है? कहा कि इंसानी जो नजरें हैं ना, इंसानी नजरों से जो शुआएं निकलती हैं, इन शुआओं में जहरीलापन भी होता है। शुआओं का तो सबको ही पता होता है, कोई नफरत से देखे तो भी पता चल जाता है, कोई मोहब्बत से देखे तो भी पता चल जाता है, लेकिन जब कोई हसद की निगाह से किसी को देखता है तो जो हसद का जहर उसके दिमाग में पैदा होता है ना, वो इन शुआओं के जरिए सामने वाले पर असर करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हसद वाले की नजर बड़ी शदीद होती है। इसलिए कहा गया कि अपनी नेमतें छुपाकर हासिदों से बचो। बिला वजह हर एक के सामने अपने कारोबार की बातें, अपने पैसे की बातें, ताल्लुकात की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इतना कमा रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, तो ये बातें लाजमी है लोगों से छुपानी चाहिए, खास तौर पर किसी महरूम आदमी के सामने। एक ये है कि एक कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी आदमी से बात करे, वहां भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। एक ये है कि ऐसे बंदे के सामने बात करना जो महरूम है, वो निगाह हसरत में निगाह हसद डाल देगा, तो उससे बचना चाहिए। इसलिए पहले के जो उलमा होते थे ना, वो फरमाते थे कि बाजार से खाना खरीद कर भी ना खाओ। भाई क्यों ना खाएं? कहा घर का खाना खाओ। वजह तो अब तो कल्चर तब्दील हो चुका है, लोग जो है वो सुबह भी बाहर से मंगवाते हैं तो शाम को भी जो है वो बर्गर और पिज्जा पता नहीं क्या क्या मंगवा रहे होते हैं। खैर उलमाए किराम के मना करने की वजह क्या थी? कहा बाहर की जो चीजें होती है ना, जब ये पक रही होती हैं तो इनके देखने वाले वो लोग भी होते हैं जो खरीदते हैं या खरीद सकते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो खरीद नहीं सकते बल्कि हसरत की निगाह से देखकर आगे निकल जाते हैं। तो जिस खाने पर हसरत की निगाह पड़ जाए ना, उसके असरात भी वैसे होंगे। तो ये पहले के जमाने के उलमा फरमाते थे। गालिबन इमाम आजम ने इमाम अबू यूसुफ से फरमाया था कि बाजार का खाना ना खाया करो। तो बहरहाल इन चीजों के असरात होते हैं, तो अपनी नेमतें छुपा के हासिद से और हसरत वाले से बचना चाहिए। और अगर महसूस हो कि नजर लगी है या ना भी हो, तो सुन्नत यह है कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, या हाथों पर फोंक कर जो है वो चेहरे पर या जिस्म पर भी फेर लें, इंशाअल्लाह इससे हिफाजत रहेगी और बिला वजह अपना माल जो है वो लोगों के सामने जाहिर ना किया करें।